एक प्रश्न है, अंतर आरिष जी का प्रश्न है। उनका प्रश्न है, स्वामी जी हम सब एक अच्छे जीवन के लिए संघर्ष करते रहते हैं, पर रुकावटें परेशानी हमेशा रास्ता रोके खड़े रहता है। कभी कभी ये जीवन सांप सीढ़ी के खेल जैसा होता है, जहाँ से शुरू वहीं पर ख़त्म। अंतर आरिष जी कहाँ हैं, इनका ये प्रश्न है। बैठिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। हाँ, ये जीवन अगर आप बेहोशी में जिए तो सांप सीढ़ी का खेल ही है। लोग खाली हाथ आते हैं और उन लोगों को लगता है कि बहुत कुछ जमा कर लिया, बहुत कमा लिया, और जब मृत्यु आती है तो खाली हाथ चले जाते हैं, और जो भी कमाया था सब यहीं छूट जाता है, एक तिनका भी लेके नहीं जा पाते। और आपने जैसे कहा है कि रुकावटें और परेशानी ये जीवन में सारे लोगों को आती है, ऐसा कोई व्यक्ति खोजना मुश्किल है जिसके जीवन में परेशानी न हो, रुकावटें न हो। लेकिन ये सब क्यों होता है, इतनी रुकावटें और इतनी परेशानी क्यों आती हैं, और क्यों लगता है कि जीवन जहाँ से शुरू हुआ खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए, इसी लगता है कि हम बेहोशी में जीते हैं। वी लिव अनकॉन्शियसली। एक निद्रा है, एक निद्रा तो ऐसी है जो हम रात में आप जाएंगे तो 8 घंटे हर व्यक्ति सो जाता है और नींद की दुनिया में चला जाता है, सपनों की दुनिया में चला जाता है। एक दूसरी निद्रा है मित्र, जब आप सुबह जगते हैं और 16 घंटे हैं उसमें भी एक सपने चलता रहता है, विचारों का सपना चलता रहता है। हम कुछ न कुछ आयोजन करते रहते हैं, कुछ न कुछ विचार करते रहते हैं, और जो जी रहे हैं उसके प्रति कोई होश नहीं है, ये बेहोशी के कारण होता है। और ये बेहोशी तोड़ने की सबसे बड़ी औषधि औषधि है ध्यान। ध्यान जब हम करेंगे तो हमारी ये आध्यात्मिक बुरशा, जिसको मैं बेहोशी कह रहा हूँ, ये टूट जाएगी। तब हम जागेंगे और तब दिखाई पड़ेगा कि क्या हम जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, और तब जीवन में अर्थ की खोज होगी। और अर्थ की खोज जो करेंगे, जीवन में मीनिंग की जो खोज करेंगे, उनको भीतर जाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको आनंदित कर सके, तृप्त कर सके। बाहर जो भी खोजेंगे वो अंततः दुखी ही मरेंगे, और अंदर जो जाएंगे उनके दुखों का अंत हो जाएगा। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जागरूक कर जिए, आपको साफ दिखाई पड़ने लगेगा कि ये सांप सीढ़ी का खेल एक दिन ख़त्म हो जा सकता है अगर होश हो जाए तो। ध्यान में मैं आपको आमंत्रण करता हूँ। राघवेंद्र जी का बड़ा अच्छा प्रश्न है, मनुष्य के आचार एवं विचार में अंतर क्यों होता है? क्योंकि हम पाखंडी हैं इसलिए होता है, और सारी मनुष्यता पाखंडी है, और सबसे ज़्यादा पाखंडी धार्मिक लोग होते हैं, क्योंकि वो सिखाते कुछ और हैं और जीते कुछ और हैं धार्मिक लोगों में। खाने के दांत दूसरे होते हैं, दिखाने के दांत दूसरे होते हैं। तो जितना अधिक पाखंड धर्म में है उतना कहीं पाखंड आपको नजर नहीं आएगा। सबसे ज्यादा पाखंडी लोग धर्म में मिलेंगे आपको। गैरिक वस्त्र पहन लेंगे, माला लगा लेंगे, टीका लगा लेंगे, और बहुत तरह तरह के उपदेश देंगे टीवी पर, रेडियो पर। और उन्हीं टीवी पर उपदेश देने वालों का कभी कभी जब पोल खुलता है तो हमें घृणा से मर जाता है। आप देखते हैं बीच बीच में आता रहता है। अभी मैं बहुत अमेरिका जाता हूँ, वहाँ जो क्रिश्चियन समुदाय है, बड़ा प्रतिष्ठित पोप का जो समुदाय, पादरियों का जो समुदाय है, अमेरिका में 11,000 पादरियों पर इस केस के मुकदमे चल रहे हैं, चाइल्ड एब्यूज के, बच्चों के साथ सेक्स करने के। 11,000, एक दो पर नहीं। इससे घृणित क्या हो सकता है, जो छोटे छोटे बच्चे आप उनके स्कूल में भर्ना कर देते हैं फादर, इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, आपके परमात्मा के रास्ते पर ले जाएगा। जो ब्रह्मचारी है वो छोटे छोटे बच्चों के साथ संभोग करता है। इसके 11,000 केस चल रहे हैं, और कितने चर्च बिके हैं, कितने चर्चों पर इतना पनिशमेंट होता है, आप अखबार देखेंगे तो इट इज ए प्रूवन फैक्ट कि बहुत सारे क्रिश्चियन पादरी जो हैं होमोसेक्सुअल होते हैं, चार लिबी में फंसे होते हैं, और मंच पर सेलिब्रेसी की बात करते हैं, ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। इस पर एक छोटा सा ये कहूँ कि क्रिश्चियनिटी में सेलिब्रेसी पर बहुत ज़्यादा जोर है,
एक नया सिखाड़ू धार्मिक व्यक्ति था, उसको लगा कि इस पर खोज करनी चाहिए। उसने पोप से कहा, मजाक है लेकिन बहुत गहरी मजाक है, पोप से कहा कि हमें ओरिजिनल बाइबल दिखाओ, उसमें कहाँ कैसे सेलिब्रेसी पर जोर है, मैं देखना चाहता हूँ। तो कहा जाता है कि वेटिकन के बेसमेंट में ओरिजिनल बाइबल है जिसकी कॉपी बाहर दिखती है, बाहर ओरिजिनल, भीतर ही जिसको देखने दिया जाता है। उसने बड़ा जोर दिया कि उसे कॉपी करने में कहीं तुम लोगों ने गलती तो नहीं की, मुझे एक बार देखने दो। और बड़ी जरूरत के बाद उसे परमिशन मिली और 2-3 दिन तक अंदर बेसमेंट में बैठ के देखता रहा ओरिजिनल बाइबल और जो प्रिंटेड बाइबल है उसमें मिलाता रहा। बाहर आया तो सर ठोकने लगा, ठोकने कहा कि भाई क्या बात है, क्या हुआ? उसने कहा फादर वी मिस्ड आर, क्या मतलब? जीसस ने कहा था सेलिब्रेट, हमने कॉपी कर दिया सेलिब्रेट। एक आर के छूट जाने से सारा उपद्रव खड़ा हो गया। और सेलिब्रेशन इज ए इम्पॉसिबल थिंग, एक हेल्दी व्यक्ति के लिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए ब्रह्मचर्य असंभव चीज है। बायोलॉजी नहीं मानती इस बात को, बहुत कठिन है, अधिकांश लोग नहीं कर सकते हैं इसको, थोड़े से बूढ़े पुरुष कर सकते हैं। तो एक ही बार आप अगर एक पूरे वर्ग पर सेलिब्रेशन ठोक दीजिएगा तो उसका परिणाम जो होता है वो आप देख रहे हैं। इसलिए आचार और विचार में अंतर क्यों होता है कि हमने ऐसे विचार को महत्ता दे दी है जो संभव ही नहीं है, जो असंभव है, और ऐसे विचार को हम लोगों ने मान्यता दे रखी है जो अवैज्ञानिक है। बहुत सारे विचार अवैज्ञानिक हैं, इम्पॉसिबल हैं, ऐसे चीज़ों की अपेक्षा हमसे नहीं की जानी चाहिए। अगर पाखंड न हो तो आचार और विचार में अंतर घटता जाएगा। ओशो सन्यासी, पहले बार आपको पृथ्वी पर ऐसे लोग मिलेंगे जिनके आचार और विचार में अंतर बहुत घट गया है, क्योंकि हमारे लिए ओशो ने डू एंड डू नॉट की बहुत बड़ी दीवार नहीं रखी है। उन्होंने कहा है सहज समाधि बनी, सहज ढंग से जियो, जो स्वाभाविक हो उसको जियो, और जो नहीं जी सकते हो उसकी प्रीचिंग मत करो, ऐसी बात मत बोलो जो तुम खुद नहीं जी सकते। इसलिए हमारे सन्यासियों में आपको आचार और विचार में अंतर कम होगा, और जितना ओशो को पढ़ेंगे लोग और जितना ओशो व्यापक होंगे उतने ही लोगों के बीच से ये धार्मिक आडंबर दूर होगा, उतने ही लोगों के आचार और विचार में अंतर कम होता जाएगा। तो मैं आपको आह्वान करता हूँ कि ओशो को पढ़ें, ओशो को लोगों को पढ़ाएं, ताकि लोग का धर्म से पाखंड विदा। सुरेश कुमार छात्र हैं, कहाँ बैठे हैं आपका एक जिज्ञासा है, उन्होंने पूछा है पूज्य स्वामी जी आज मैं पूछना चाहता हूँ कि अपना ध्यान कैसे लगाऊं। मित्र, ध्यान एक कला है। पेंटिंग में कैसे, अगर मुझसे कोई आप पूछे कि मैं मित्र बताइए सितार कैसे बजाऊं, तो कैसे बताऊं मैं आपको? आप पूछे मुझसे कि पेंटिंग कैसे करूं, तो माइक से मैं कैसे बताऊं? आपको मेरे साथ सितार बजाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, संगत करनी पड़ेगी, किसी सितार बजाने वाले के साथ संगत करनी पड़ेगी। तो इट कैन नॉट बी टॉट बट इट कैन बी कॉट, सिखाया नहीं जा सकता, सिखाया जा सकता है लेकिन सीखा जा सकता है। तो आप पूछते हैं कि ध्यान कैसे लगाऊं, मेरे साथ चलिए अमरकंटक में सिखा दूंगा। कुमार गोयल जी का प्रश्न है, हाँ पीछे हैं, ठीक है, आपने पूछा है पूजनीय स्वामी जी आज समाज में उच्छृंखलता भ्रष्टाचार पूरी तरह फैला है और सभी इससे बहुत परेशान दुखी हैं, बच्चे संस्कारविहीन हो रहे हैं, इसके निवारण के लिए हमारा क्या योगदान हो सकता है? ये उच्छृंखलता और भ्रष्टाचार जो है, हमने गलत जीवन पद्धति को अपनाया है, उसका रिजल्ट है ये। हिंदुस्तान में आपके यहाँ ही नहीं है, लगभग सारे संसार में है, किस तरह के नवयुवक उच्छृंखल हो रहे हैं, बल्कि कुछ मानों में तो मैं कहूँ कि हिंदुस्तान में कम है। विदेश के जो नवयुवक हैं, नवयुवती हैं, स्कूल के ही जीवन में, अमेरिका जहाँ मैं बार बार जाता हूँ शिविर लेने, मुझे जान देख के बड़ी पीड़ा होती है कि 60% स्कूल की 15-16 साल की बच्चियों को सेक्स का पूरा अनुभव हो गया होता है, और 25% स्त्री स्कूल की लड़कियां
गर्भवती भी हो गई होती है, छोटी बच्चियाँ, और गर्भात उनको गर्भपात करना पड़ता है, और 20 वर्ष के उम्र तक पहुँचते पहुँचते 50% जो नवयुवक हैं वो किसी न किसी नारकोटिक ड्रग्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर वो रिहेबिलिटेट करना पड़ता है, बड़ी दिक्कत है। अभी तो हमारे यहाँ उच्छृंखलता कम है क्योंकि संपदा भी कम है और स्वतंत्रता भी कम है, नवयुवक सारे संसार में उच्छृंखल हो रहे हैं क्योंकि हमने एक ऐसी सभ्यता पैदा की है, ये सभ्यता की परिणति है, ये गलत जीवन ढंग का परिणाम है कि आज बिना शराब पिए लोग नींद नहीं आती, बिना ड्रग्स खाए हुए लोग चैन से बैठ नहीं सकते हैं, बिना कोई मादक पदार्थ खाए हुए और बिना झगड़ा किए हुए लोगों को शांति नहीं मिलती है, ये हमारे गलत जीवन ढंग का परिणाम है। और ये उच्छृंखलता और ये भ्रष्टाचार सबको पीड़ा दे रहा है, और उसका एकमात्र उत्तर जो मैं देखता हूँ वह देखता हूँ ओशो की देशना, ओशो की शिक्षण। अगर ओशो की शिक्षण बच्चों को स्कूल से पढ़ाया जाए, और बच्चों को ही नहीं पढ़ाया जाए, पहले बच्चों के माँ बाप को पढ़ाया जाए, क्योंकि जब तक माँ बाप शिष्ट नहीं होंगे बच्चे शिष्ट नहीं हो सकते, वो तो हमारे ही नकल करते हैं। माँ बाप आपस में लड़ते रहते हैं तो बच्चे भी स्कूल में लड़ते हैं, माँ बाप कहते हैं कि सिगरेट मत पियो और अपने छुप के पीते हैं तो बच्चे भी सिगरेट पिएंगे, माँ बाप कहते हैं शराब बुरी चीज़ है और रात में बाप जो है सो झूम शराबी बन जाता है, तो बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए पहली शिक्षण तो माँ बाप की होनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए ओशो महाऔषधि हैं, और ओशो सब तरह के पाखंड के विरोधी हैं और सब तरह के भ्रष्टाचार के विरोधी हैं। और जो भी व्यक्ति थोड़ा अपने अंदर जाएगा, शांत बैठेगा, ध्यान करेगा, उसके जीवन से ये सारी उच्छृंखलताएँ धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। तो बच्चों को भी ध्यान सिखाइए, आप भी ध्यान कीजिए, और अगर ध्यान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ओशो को रोज आधा घंटा सुनिए, बच्चों को सुनाइए, पढ़ाइए, उससे ये संसार की जो अभी समस्याएं हैं मुझे लगता है उसमें 75% समस्याएं तो सिर्फ ओशो को पढ़ने सुनने और समझने से दूर हो जाएगी। और लोग ध्यान करें। और स्वामी जी प्रणाम। मैं अक्सर जब भी किसी चीज़ के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में पहले निगेटिव बातें पहले विचार में आते हैं, तो मैं क्या करूं कि मैं पॉजिटिव थिंकिंग की ओर अपना ध्यान लगा सकूं और सही विचारों की ओर अग्रसर हूं। राजेंद्र जी, ये मन जो है बड़ा हरामी है, आपका ही नहीं मेरा ही नहीं, मीरा ने कहा है ये मन मेरो बड़ो हरामी, बड़ा बदमाश है ये मन। और यह मन जो है जब पॉजिटिव चीज़ें सोचता है तो मन कमज़ोर हो जाता है, जितनी मन वो नेगेटिव चीज़ें सोचता है उतना ही मन को बल मिलता है, उतना ही मन मजबूत होता है। इसलिए जब तक हम लोग मन के अधीन रहेंगे हम लोग नेगेटिविटी से मुक्त नहीं हो सकते। मन महारोग है हम सब के अंदर, मन के हम सब बीमार हैं, हम ही सब ने जब मीरा ने कहा और जब बड़े बड़े संतों ने कहा इस मन से सावधान रहना, बुद्ध ने कहा कोई मार नहीं है, बाहर कोई शत्रु है ही नहीं, तुम्हारा तुम्हारा मन ही तुम्हारा शत्रु है, अगर उस शत्रु पर तुमने नियंत्रण कर लिया तो बाहर तो कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है, कि मन ही हमारा दुश्मन है, मन ही निगेटिविटी पैदा करता है। मन को समझें, एक ओशो की किताब है मैं आपको रिकमेंड करूँगा, उसका नाम है मन के पार, उस किताब की कीमत थी 1 रुपये जब पहले छपी थी, अभी हमने नेपाल में उसको छापी है और अभी तो 10 रुपये में बिकती है क्योंकि महंगाई हो गई है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उसको किताब को एक बार पढ़ें और इस मन को समझने की चेष्टा करें, ये मन में क्यों नेगेटिव विचार उठते हैं, इसलिए मन में नेगेटिव विचार उठते हैं कि मन की जटिलता जो है वो तभी महत्व पाती है जब मन में विध्वंस हो, कलह हो, पीड़ा हो। जब मन आनंदित होता है तो मन मिट जाता है, मन शांत हो जाता है। जब आप सूर्योदय को देखते हैं समुद्र के किनारे तो मन रह जाता है, एक क्षण के लिए मन मिट जाता है, आप आनंद में डूब जाते हैं। आप एक छोटी सी बात करता हूँ, प्रेम हम लोग करते हैं सेक्स के क्षणों में, जब सेक्स का अतिरेक का क्षण होता है मन रहता है वहाँ? नहीं रहता है। जब आनंद अतिरेक होता है तो मन मिट जाता है। तो मन जिंदा रहने के लिए निगेटिविटी का सहारा लेगा, आनंद में मन मिट जाता है,
इसलिए मन को निगेटिव चीज़ें, विद्वान से हिंसा, लड़ाई जीवित रखनी पड़ती है, क्योंकि मन को जिंदा रहना है, इस मन के पार जाना है मित्र। और मन के पार जाने की विधि जो है वो ध्यान है। आप ध्यान में आएँ, अमरकंटक आएँ मेरे साथ, तो हम आपको मन के पार ले चलेंगे। और जब मन के पार जाएंगे तो वहाँ न कोई निगेटिविटी है न पॉजिटिविटी है, वहाँ केवल आनंद है। और एक ऐसा आनंद है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और एक ऐसा आनंद है जो किसी को दुख नहीं दे ही नहीं दे सकता है, अपने को भी नहीं दे सकता और दूसरे को भी नहीं दे सकता। निगेटिविटी की सवाल ही नहीं है। तो मैं आपको ध्यान में आमंत्रित करता हूँ। प्रश्न है, हम अपने पारिवारिक जीवन और प्रोफेशनल विभाग में हम काम करते हैं, जिस विभाग में हम काम करते हैं, एक दूसरे कार्य को हम कैसे बिना प्रभावित किए जीवन यापन कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर विभाग में राजनीति चलती है। कोई आगे बढ़ता है तो उसी के कलीग उसकी टांगें खींचते हैं, जिससे पारिवारिक जीवन, खुद के लाइफ में डिप्रेशन जरूर आता है। ठीक है सुनील कुमार जी, डिप्रेशन तो एक महामारी है, और डिप्रेशन अभी हिंदुस्तान में, मैं 20 देशों में ओशो की देशना लेकर घूम रहा हूँ, यूरोप संसार के सबसे विकसित देशों में, कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में, तो मैं तो कहूँगा कि अभी तो डिप्रेशन हमारे यहाँ आया ही नहीं है, आ रहा है, पल ध्वनि सुनाई पड़ रही है। आप अमेरिका में जाके देखें 50% लोग डिप्रेस हैं, और ऐसे लोग जिनके पास सब कुछ है, गाड़ी है, मकान है, घर में होम थिएटर है, घर में स्विमिंग पूल है, वैभव है, सुविधा है, सब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं जो आप कह सकें कि इनके पास नहीं है जिसके लिए दुखी है, सब कुछ है फिर भी दुखी है, डिप्रेस्ड है। ये डिप्रेशन एक महामारी के रूप में पश्चिम से आ रहा है। अभी यहाँ हमारे यहाँ तो शहरों में ही है, बिलासपुर में थोड़ा आ गया हो, गांव में तो कभी नहीं पहुँचा है, बस्तर में भी नहीं पहुँचा है, शहर में आ गया है, पश्चिम से आया है, हवा आई है डिप्रेशन की। ये एक गलत जीवन पद्धति के कारण आ रही है, डिप्रेशन भी जो आ रहा है ये गलत जीवन पद्धति के कारण आ रहा है। और एक दूसरे के पैर खींचने की जो बात है, ये भी बेहोशी में चल रही है। ये लोग इतने अनकॉन्शियस हैं, उनको पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। जैसे सपने में कोई स्वप्न देखता हो और उसमें अजूल फजूल बातें करता हो, अजूल फजूल चीज़ें देखता हो, उसको आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते हैं, तो भाई तुमने सपने में ऐसा क्यों देखा, तो कहेगा मैं तो सोया हुआ था, सपना देखना था। तो 16 घंटे हम लोग आँख खुली हुए सपना देखते हैं, सपने में ही जीते हैं हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते, क्योंकि हम अचेत हैं, वी आर नॉट कॉन्शियस। तो एक कॉन्शियस मनुष्यता बनानी है, एक सचेत मनुष्यता बनानी है, एक रिस्पॉन्सिबल मनुष्यता बनानी है, जो दूसरे का टांग नहीं खींचेगी, क्योंकि वो देखेगी कि किसी के भी गिरने में मेरा ही गिरना होता है, क्योंकि हम सब जुड़े हुए हैं, और एक दूसरे की प्रगति भी हमारी प्रगति है, क्योंकि जब समाज प्रगति करेगा तभी मेरी प्रगति होगी, अकेली मेरी प्रगति भी होगी तो वह स्थायी नहीं होगी और उसमें पीड़ा होगी। पूरा देश गरीब हो और 10 आदमी अमीर हो जाएं तो उनका जीवन दुभर हो जाएगा, उनके जीवन खतरे में पड़ जाएगा, रोज़ डकैती होगी, रोज चोरी होगी, रोज नक्सलवाद होगा। जब तक पूरा समाज संपन्न न हो, व्यक्ति के संपन्न होने से शांति नहीं हो सकती है। ये दृष्टि पैदा होगी जब लोग जाग के जिए। हम लोग सोए जी रहे हैं, आँख खुला हुआ सपना देख रहे हैं, राजनीतिक भी देख रहे हैं, विचारशील व्यक्ति भी देख रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर ध्यान नहीं है, बोध नहीं है। बुद्ध ने जो कहा, जीसस ने क्या कहा, जिनके पास आंखें होंगी वो देखेंगे। तो क्या सब लोग अंधे थे जेरूसलम में? सब तो देख ही रहे थे। बुद्ध ने जो कहा कि जिसके पास प्रज्ञा होगी वो मुझे सुनेगा, तो क्या सब मूर्ख बैठे थे? नहीं, मूर्ख नहीं बैठे थे, लेकिन बुद्ध जिस प्रज्ञा की बात कर रहे हैं वो लोगों के पास नहीं थी, सुनने की क्षमता नहीं थी। जीसस जिस आँख की बात कर रहे हैं, उसी आँख की खोलने के लिए मैं आता हूँ हर साल यहाँ, कि वो आँख हमारी खुले, और आपका आमंत्रण है, आप हमारे शिविर में आए, हम लोग प्रयास करेंगे कि ये संसार से
ये डिप्रेशन दूर हो। डिप्रेशन तब तक दूर नहीं होगा जब तक बहुत बड़े तल पर हम ध्यान का आंदोलन नहीं खड़ा करेंगे। एक लाखों लोग जब तक ध्यान में नहीं लगेंगे तब तक ये ड्रग्स एब्यूज, ये डिप्रेशन, ये मानसिक अवसाद, ये कैंसर से भी बड़ा खतरनाक रोग है मित्र। अभी पश्चिम में आपको मैं डाटा दूँ, हर साल 1 मिलियन लोग, 10 लाख लोग, अच्छे लोग, सीईओज, बैंक के मैनेजर, फिल्म के एक्टर, अच्छे तनख्वाह पाने वाले नौकरशाह सुसाइड करते हैं बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। सब कुछ है उनके पास, जीने की कला नहीं है, वो जानते नहीं है कि क्या है और क्या मिस कर रहे हैं। मैं जानता हूँ क्या मिस कर रहे हैं, वो मिस कर रहे हैं मेडिटेशन, और वो मेडिटेशन के प्रचार के लिए हम लोग घूम रहे हैं। और उसकी महा औषधि है ध्यान, और उस ध्यान सबसे बड़े उसके चिकित्सक हैं। अभी की जो संसार की समस्याएं हैं उसके संसार के सबसे बड़े चिकित्सक का नाम है ओशो। ओशो को पढ़िए, ओशो को पढ़ाइए, ओशो को सुनिए। मैं सारे लोगों से आग्रह करता हूँ, और कुछ आपसे बन पड़े न पढ़ पड़े, ओशो की कैसेट्स हैं, यूट्यूब में है, इंटरनेट में है, हमारे पास है, हर जगह उपलब्ध है। आप आधा घंटा ध्यान और कुछ मत कीजिए, आधा घंटा चुपचाप बैठ जाइए और रोज ओशो को सुनिए। 3 हफ्ते के अंदर आपको अपने अंदर परिवर्तन नजर आने लगेगा, आपके सोचने के ढंग में, आपकी उदासी कम हो जाएगी, आपकी पीड़ा कम हो जाएगी, आपका अहंकार कम हो जाएगा। 3 हफ्ते में कहता हूँ, आधा घंटा ध्यानपूर्वक ओशो को रोज सुनिए, आप देखिए। मैं सब लोगों से आग्रह करता हूँ, और ध्यान आप कर सकें न कर सकें, ओशो को सुनना एक सुंदरतम ध्यान है। आधा घंटा अगर मनुष्यता ओशो को सुने, संसार में थोड़े से लोग भी अगर ओशो को नियमित ढंग से सुने, तो संसार की आधी समस्याएं तो बेवकूफ़ी से पैदा होती है, तो बेवकूफ़ी दूर हो जाएगी और संसार आधी समस्याओं से मुक्त हो जाएगी। मेरा प्रश्न है कि क्यों होता है जब हम गहरे ध्यान में होते हैं तब ये संसार परिवार अपने एगेंस्ट लगता है? तभी लगेगा जब परिवार और संसार फिर ध्यान करने लगे, तब एगेंस्ट में नहीं लगेगा ना? आप ध्यान करते हैं, आप जागने लग गए, आपकी आंखें खुलने लग गई, आप होश में आने लग गए, तो दूसरा व्यक्ति जो बेहोश है वो आपको समझ नहीं सकेगा, उसको समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि होश पूर्ण व्यक्ति अपने ढंग से चलता है, अपने ढंग से बोलता है, अपने ढंग से व्यवहार करता है, और जो होश से भरे नहीं है वो अपने ढंग से व्यवहार करते हैं। इसलिए आप परिवार में भी ध्यान को ले आइए, जिनसे आपका प्रेम है और जो चाहते हैं कि आपके साथ एडजस्ट करके रहें, उनको भी ध्यान में लाइए, उनके जीवन में यह संपदा जोड़िए। ये सबसे बड़ा दान है, इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता है। गिव देम द गिफ्ट ऑफ मेडिटेशन, उनको किसी तरह से बहला के, फुसला के, समझा के, डरा के, धमका के, लुभा के ध्यान में ले आइए। आप अमरकंटक ले आइए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दूँगा। प्रश्न है इनका, मैं जाति से सिख समुदाय का हूँ, सारी देवी देवताओं की पूजा करता हूँ, मगर सशंकित हूँ किसे अपना प्रभु मानूँ, किसका आशीर्वाद मुझे है, कृपया मार्गदर्शन करें। दुष्यंत जी, आप सिख समुदाय के हैं और सारी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ये आपकी उदारता है कि आप सिर्फ नानक को ही नहीं मानते, सारी देवी देवताओं को मानते हैं, तो आप बड़े उदार हृदय की व्यक्ति हैं। आप कहते हैं कि मैं किसकी पूजा करूं, तो मैं एक देवता के बारे में बताऊंगा, उसकी पूजा कीजिए, बाकी जो देवी देवता हैं वो सब उसकी ही छवि हैं, उसके ही फोटो हैं, उसके ही चित्र हैं, वो असली देवता जो है वो आप खुद हैं। और जब तक आपको अपने भीतर छुपे हुए परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा, बाहर के देवी देवता भी समझ में नहीं आएंगे, चित्र हैं, उनकी कथाएं हैं, उनकी कहानियां हैं,
है या नहीं, सच है या झूठ, कितना भरोसा करें कितना भरोसा न करें, जब तक अपनी अनुभूति नहीं होगी तब तक कैसे भरोसा आएगा। तो सब देवताओं का देवता आपके अंदर बैठा हुआ है। इसकी बड़ी अच्छी घटना है मित्र, परमात्मा ने संसार बनाया, बड़ा अच्छा से संसार चल रहा था। परमात्मा बोलेगा कि एक बहुत अच्छी विकसित प्राणी बनानी चाहिए, उसने मनुष्य बनाया। मनुष्य बनाते ही परमात्मा उपद्रव में पड़ गया। जब तक मनुष्य नहीं बना था संसार बड़े अच्छे से पक्षी जानवर पेड़ पौधे सब सामंजस्य में जी रहे थे, किसी की कोई शिकायत नहीं थी। जैसे मनुष्य बना शिकायत शुरू हो गई, मनुष्य कहने लगा मैं अकेला हूँ भाई, मुझे कहीं मित्र चाहिए, मैं तो अकेला बड़ा लोनली फील करता हूँ। उसको गर्लफ्रेंड बनाने पड़े परमात्मा को। आपको कहानी बताइए ईव की और उसकी। अब स्त्री बनानी पड़ी पुरुष के लिए, स्त्री के लिए पुरुष बनानी पड़ी। दोनों हफ्ते दिन रहे, हफ्ता दिन के बाद फिर दौड़े हुए आए कि वो तो हमसे झगड़ा करती है, तो अकेले ही घुसते हैं, और स्त्री कर लेगी तो हम पर दादागिरी करता है, 24 घंटा हम पर अधिकार जमाता है, मेरी भी कोई हैसियत है तो हम अकेले खुश थे। रोड़ाता ने कहा ठीक है हम ले लेते हैं, अकेले अकेले रहो, अकेले के रहने दिया। 7 दिन रहे, 7 दिन के बाद फिर आए, चलो झगड़ा भी करती थी लेकिन रोटी तो बना देती थी, सुख था, अकेले तो बिल्कुल रहा नहीं जाता है। वर्तमान ने कहा फिर ले जाओ स्त्री को, ले जाओ। लेकिन हफ्ते दिन के बाद फिर उपद्रव शुरू हो गया। तो परमात्मा देखता है कि मनुष्य बना के मैं बड़ा फंस गया, तो कुछ भी करो कुछ। एक आता है कहता है कि देखो मैंने मिट्टी के घड़े बनाए हैं, बाहर सूखने के लिए रख दिया है, परमात्मा 7 दिन तक पानी नहीं पड़ाना, नहीं तो मेरे सारे मिट्टी के घड़े बर्बाद हो जाएंगे। दूसरा आता है कहता है कि मैंने बीज बोए हैं और मेरे बीजों को पानी चाहिए, परमात्मा 7 दिन तक खूब पानी पड़ाओ नहीं तो मेरे सारे बीज सूख जाएंगे। तो परमात्मा कहे मैं किसकी सुनूँ, वो इतनी विनती बातें हैं, मनुष्य बना के मैं फंस गया। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया, परमात्मा ने कहा कि बचाओ मुझे, बचाओ मनुष्य से बचाओ। मनुष्य ने मेरी नींद हराम कर दी, दिन रात कॉलिंग बेल बजाता रहता है, रात में 12 बजे ही बजाता रहता है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए, कभी आइसक्रीम चाहिए कभी कॉफ़ी चाहिए, बिना चाहिए बिना किसी चीज़ के वो सुखी नहीं रह सकता। तो मुझे छुपाओ मुझे बचाओ। परमात्मा ने कहा कि मैं भाग जाऊँगा, संसार छोड़ के भाग जाऊँगा, चांद पर जाके रहूँगा। एक मंत्री ने कहा कि आपको पता नहीं है मनुष्य बड़ा उपद्रवी प्राणी है, जल्दी आर्मस्ट्रांग नाम का मनुष्य चांद पर पहुंचने वाला है। परमात्मा ने कहा बाप रे बाप, तब मैं कहाँ जाऊँ, एवरेस्ट पर चला जाता हूँ, वहाँ पर रहूँगा। तो दूसरे मंत्री ने कहा कि आपको कुछ पता नहीं है, तेंजिंग और हिलारी और ये आ रहे हैं हिमालय पर चढ़ने के लिए, और 1953 में ये चढ़ जाएंगे माउंट एवरेस्ट पर और आपको वहाँ खोल देंगे। परमात्मा ने कहा कि कहाँ जाऊँ मैं, दक्षिण ध्रुव पर चला जाऊँ। लोगों ने कहा कि दक्षिण ध्रुव पर जल्दी ही मनुष्य पहुँचने वाला है। तो परमात्मा ने कहा कि कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ मैं मनुष्य बचूँ, ये तो मेरा जीवन हराम कर देगा। रोज दिन कुछ न कुछ मांग करता रहता है, किसकी मांग सुनूँ और किसकी न सुनूँ, मैं तो मर जाऊँगा। तो एक बूढ़े मंत्री ने कहा कि एक जगह है प्रभु, मैं बताता हूँ, वहाँ मनुष्य आपको जल्दी खोज नहीं पाएगा। तो परमात्मा ने कहा जल्दी बता, ताकि आप मनुष्य के हृदय में छुप जाएंगे। वो सारी दुनिया में ढूंढता रहेगा, अपने अंदर नहीं ढूंढेगा, अपने अंदर नहीं खोजेगा, और सारी दुनिया में ढूंढेगा कहीं आप उसको मिलेंगे नहीं। तो परमात्मा ने कहा कि अगर उसने अंदर ढूंढा तो कहा कि जो अपने अंदर जाएगा वो इतना शांत हो जाएगा कि वो भी परमात्मा का ही रूप हो जाएगा, उसे फिर आपकी जरूरत नहीं। तो मित्र आपको मैं कहता हूँ एक ही परमात्मा काम आएगा, और कोई परमात्मा काम नहीं आएगा, क्योंकि जो बाहर है वो बाहर ही रह जाएगा, वो आपके अंदर जो छुपा हुआ परमात्मा है। सारे परमात्मा देवी देवता इसी के लिए हैं कि आपके अंदर के परमात्मा से आपकी जान पहचान हो जाए। मैं आया हूँ आपको इंट्रोड्यूस कराने आपके अंदर छुपे हुए नानक से, आपके अंदर ही नानक देव छुपे हुए हैं, आपके अंदर ही राम छुपे हुए हैं, कृष्ण छुपे हुए हैं। आँख बंद करके मेरे साथ चलिए, मैं आपके परमात्मा से आपको मिला दूंगा, फिर किसी से मिलने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी।
बोधि मनु जी का प्रश्न है, स्वामी जी जब ध्यान करते हैं तो दूसरे तीसरे हफ्ते से हमें लगता है कि यह मुझे आता है, जबकि आता नहीं है, क्या करें? मित्र, ध्यान तो किसी को नहीं आता है, और ध्यान आप जितना सही ढंग से करेंगे, जब ध्यान की थोड़ी झलक मिलती है, अधिजल गगरी छलकत जाए, जब लोग ध्यान शुरू करते हैं और थोड़ा ध्यान करते हैं तो उन्हें लगता है कि बहुत आता है, वो ध्यान के बारे में बहुत जानते हैं। लेकिन जब हम लोगों की तरह बाल सफेद हो जाएगा, हमारे परिहार जी बैठे हैं, इनके से जब ध्यान करते करते बाल सफ़ेद हो जाएंगे, दाढ़ी सफ़ेद हो जाएगी, तो पता चलेगा कि ध्यान के विषय में तुम कुछ भी नहीं जानता। यू आर ऑलवेज बिगिनर इन मेडिटेशन। आप ध्यान के जगत में हमेशा बच्चे ही रहते हैं, और ध्यान इतना विशाल है और इतना विस्तृत है कि कभी भी कोई आज तक ये कह नहीं सकता है कि मैंने ध्यान के बारे में सब कुछ जान लिया। यू आर ऑलवेज ए ट्रैवलर, ऑलवेज ए लर्नर एंड ऑलवेज ए स्टूडेंट। ऐसी विनम्रता आ जाएगी अगर आप मेरे साथ 5 दिन सुबह शाम कुंडली करें, डायनेमिक करें, अमरकंटक में 5 दिन भी मेरे साथ, हम लोग रोज 5 ध्यान करेंगे, 10 घंटे ध्यान करेंगे, तो 5 दिन भी आप 10 घंटे मेरे साथ रोज ध्यान करें, तो जब ध्यान का शिविर समाप्त होगा तो आपको लगेगा कि यात्रा तो अभी बिल्कुल शुरू ही हुई है। इसमें कभी भी कोई मास्टर नहीं हो सकता है, ध्यान के कोई मास्टर नहीं होते हैं, सब स्टूडेंट ही होते हैं। आप शिव जी की भी मूर्ति देखिए, वो भी ध्यान में ही बैठे हुए हैं। बुद्ध की मूर्ति देखिए, वो भी ध्यान में ही बैठे हुए हैं, वो भी ध्यान कर रहे हैं, उनकी भी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, वो भी स्टूडेंट है, तो हम कैसे मास्टर बन जाएंगे? नीलमा जी का पत्र है, प्रश्न है, कहाँ बैठे हैं नीलमा जी? ठीक, धन्यवाद। इनका प्रश्न है, आत्मा अजर अमर है, गीता में कहा गया है कि शरीर मरता है आत्मा नहीं, फिर ओशो आप में है, सब में है, फिर जिज्ञासा खत्म क्यों नहीं होती? नीलमा जी, जिज्ञासा खत्म इसलिए नहीं होती कि आत्मा हमारे लिए एक शब्द मात्र है, आत्मा का हमारे पास अनुभव नहीं है। सुना है हमने कि आत्मा अमर है, अजर है, गीता में पढ़ा है, लेकिन अनुभव नहीं किया है। पढ़नी एक बात है और अनुभव करनी और बात है। जब तक ये बोध न हो जाए कि मेरे अंदर आत्मा है जो मरेगा नहीं, जो कभी मरा नहीं है, जो अनादि काल से चला रहा है और अनंत काल तक चला जाता रहेगा, जब तक यह बोध न हो जाए तब तक पढ़ने से, गीता पढ़ने से कुछ ना होगा और मेरे कहने से कुछ ना होगा। तो ये जो कहते हैं कि जिज्ञासा खत्म क्यों नहीं होती है, ये परमात्मा की कृपा है कि जिज्ञासा खत्म नहीं होती है। अगर पढ़ने से जिज्ञासा खत्म हो जाती तो कौन खोज करता, कौन मेरे शिविर में आता, कौन ध्यान करता? ये परमात्मा की बड़ी कृपा है, धन्यवाद उसका, कि पढ़ने से, गीता पढ़ने से किसी की तृप्ति नहीं मिलती, बाइबल पढ़ने से, कुरान पढ़ने से किसी की तृप्ति नहीं मिलती, क्योंकि औषधि की वो पुस्तक है, उसको पढ़ने से थोड़े रोग दूर होगा और बढ़ जा सकता है, वो तो चिकित्सक के पास बैठिएगा और आपको आत्मा की अनुभूति की रास्ता बताएगा। ऐसे आदमी के साथ बैठिए जिसने आत्मा का बोध किया है, और वो आपको, मैंने पहले ही कहा कि ध्यान ऐसा है कि शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, जिससे संगीत है, कोई वायलिन बजाना शब्दों में थोड़े सिखा सकता है। तो मैं आत्मा के बारे में रात भर भी यहाँ बोलता रहूँ, आपको आत्मा का कुछ भी स्वाद नहीं दे सकूँगा, लेकिन अगर आप मेरे साथ अमरकंटक चलेंगी और 5 दिन आँख बंद करके मेरे साथ बैठेंगी, तो आपको आत्मा की थोड़ी सी सुगंध मैं दे सकूँगा। मित्र, आपके बड़े सारगर्भित प्रश्न थे, मैं तो ओशो का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, कोई ज्ञानी नहीं हूँ, कोई पंडित नहीं हूँ, कोई ध्यानी नहीं हूँ, मेरी क्षुद्र बुद्धि है और बहुत थोड़ा सा अध्ययन है ओशो का, यही मेरी संपदा है। मैंने जीवन में जो सीखा है, जो पाया है, ओशो के चरणों पर बैठ के पाया है,
और जो भी सीखा है उनके साहित्य से सीखा है। तो जो भी मैंने बोला उसमें अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो मेरा नहीं है, वो इनका है, इनकी साहित्य से पढ़ा है, तो इनको धन्यवाद दें। और जो मैंने कहा उससे अगर आपकी तृप्ति नहीं हुई हो, संतोष नहीं हुआ हो, तो ये मेरी वाणी की दरिद्रता है, मेरी अभिव्यक्ति की दरिद्रता है, मैं आपको ठीक से समझा नहीं सका। तो जो अच्छा ना लगा वो सब मेरा, और जो अच्छा लगा सब उसका। ये कहते हैं।